हम जब भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ तथ्यों के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि एक तथ्य है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, और 1192 में वो जो तराइन युद्ध में परास्त होते हैं, फिर जो है भारत में जो है सनातन धर्म की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। हम ये पढ़ते हैं, हमें जो है ज़ोर शोर से पढ़ाया जाता है, जबकि ये बिल्कुल सत्य नहीं है। और एक और चीज़ होती है कि हमें बोला जाता है कि हम 1000 साल तक गुलाम रहे, 800 साल तक मुगलों की गुलामी करी मतलब मुसलमानों की, और 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत रहा भारत पे। ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है। मैं आपको बोलूं कि भारत एक दिन के लिए भी, एक सिंगल डे, नॉन ऑफ द सिंगल वन डे, एक दिन के लिए भी जो भारत गुलाम नहीं रहा किसी का रहूं, क्योंकि अगर भारत एक दिन के लिए भी गुलाम होता तो मैं आज आप देखते तो ये जो है 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, ये मंदिर, ये राम मंदिर, ये जितने भी आप सनातन के कार्यक्रम, सनातन के उद्घोष देख रहे हैं, ये सब समाप्त हो चुके होते, पूरा सनातन धर्म ही समाप्त हो जाता। क्योंकि हिंदू अगर एक दिन के लिए भी गुलाम होता ना, सनातन धर्म में सभी लोगों का अगर केवल एक दिन के लिए भी मानसिकता गुलामी वाला हो जाता तो आज तक जो है हम जो है भगवा ध्वज घर में लहरा रहे हैं गर्व से, ये कभी नहीं हो पाता। यही कारण है, और इसके पीछे कारण क्या है कि आखिर ऐसे गुलाम नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्योंकि हम तो गुलामी की ही बात करते हैं ना, 1000 साल की गुलामी की बात करते हैं, जहाँ फिर 800 साल मुगलों ने हम पे राज किया, अर्थात मुसलमानों ने, चाहे वो तुर्की हो, अरबी हो, या फिर ईरानी हो, अफगानी हो, कहीं से भी आए वंशज हो, चाहे बाबर हो, हुमायूं हो, या फिर जो है गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर जो है बलबम, कोई भी हो, लेकिन इन सभी ने जो है क्या क्या कहते हैं राज किया भारत में। और ये क्यों कहा दिया जाता है, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में बात किया जाता है तो दिल्ली सल्तनत की बात की, अर्थात दिल्ली को केंद्र में रख के लोग बात करते हैं। दिल्ली जो कि कहा जाता है द्वापर युग का इंद्रप्रस्थ था, ऐसे कहा जाता है, लेकिन ये तो ज़्यादा कुछ तथ्यों का प्रामाणिक चीज़ है यानी, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ढिल्लिकापुर जिसे दिल्ली कहा जाता है वर्तमान में, तो दिल्ली को माना जाता है केंद्र, मतलब इतिहास के नज़रियों से, या फिर इतिहासकारों ने जो कि सो कॉल्ड इतिहासकार अपने आप को कहते हैं भारत का, हमारे ये फर्जी इतिहास का बुक रखा। मैं आज भी देखता हूँ NCERT के बुक्स पड़े हुए हैं, 6वीं 7वीं 12वीं तक के पूरे बुक्स, मैं बोलता हूँ लोगों को जब ये पढ़ते हैं तो ये फर्जी, इसको फेंक दो, क्योंकि कोई मतलब का नहीं है, इसमें पूरा झूठ ही पढ़ाया गया है आपको, सत्य से जो है छुपा कर आपसे उसको अवगत ही नहीं कराया गया सत्य क्या है उसे। क्योंकि आप अगर बात मानते भी हैं कि 1192 में भारत जो है गुलाम बन जाता है, तो भाई अरबी आक्रमण तो 712 ईस्वी से होते आ रहे थे ना मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तो क्यों भारत जो है 500 साल तक जो है गुलाम नहीं हो पाया, कुछ कारण तो रहा होगा। और उसके पश्चात भी अगर गुलाम होता है भारत 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हार के तौर पर, तो सनातन धर्म अभी तक बचा हुआ क्यों है, 120 करोड़ हिंदू अभी तक जीवित कैसे हैं, बहुत सोचने वाली बात है ये तो, ये बहुत बड़ी तर्कात्मक बात नहीं है, आपको नहीं लगता कि ऐसा क्यों है कि सनातन का अस्तित्व अभी भी हम अपने तीज त्यौहार मना पा रहे हैं, हम जो है अभी भी जो है विक्रम संबंध पालन कर हम दीपावली होली मना रहे हैं, तो ये कुछ कारण तो होगा ना, किसी ने तो ये चीज़ किया होगा ना, किसी ने तो रोक के रखा होगा ना विधर्मियों को, जिसके कारण आज जो है 120 करोड़ हिंदू बचे हुए हैं, मान लीजिए 100 करोड़ हिंदू ही बचे हुए हैं, लेकिन बचे तो हुए हैं ना भाई, तो क्या कारण रहे हैं ये, आखिर ये चीज़ किस लिए है, क्योंकि जो है दिल्ली को इन्होंने केंद्र रख के इतिहास लिखा, अर्थात ये लोग कहते हैं इतिहासकार, जो कि हमारे इतिहासकार कहें या फिर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले कहें, तो चाहे जो भी हो, इन्होंने देश का सर्वनाश करने का ही जो है प्रयास किया, क्योंकि ऐसे इतिहास कौन पढ़ाता है जो कि अपने ही जीवित लोगों को मुर्दा कर दे। हमारे यहाँ उल्टा लिखा गया इतिहास को हमारे जो है इतिहासकारों के द्वारा, कि जीते जी आदमी जो है मुर्दा हो जाए, मतलब इस प्रकार से नकारात्मक इतिहास हमारा लिखा गया है। और इन लोग क्यों लिखते हैं इतिहास को ऐसे, दिल्ली को केंद्र मान के, दिल्ली, दिल्ली का पूरी जिसे कहा जाता है, दिल्ली को केंद्र मान के लोग इतिहास लिखते हैं, मतलब इन लोगों का कहना है जिसका शासन दिल्ली पे हो गया पूरे भारतवर्ष में उसका शासन हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं गुलाम वंश जिसका शासन काल जो हुआ 1206 से लेकर जो है आपका 1526 तक रहा, मतलब अगर टोटल में मिला के देखें इसको तो मतलब 5 जो सल्तनत जिसमें आते हैं कि गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आते हैं, लोदी वंश, सैयद वंश, इस प्रकार से जो वंश आते हैं इसमें, तो ये सभी वंश जो है कब तक होते हैं आपके, टोटल आपके जो है 1206 से लेके 1526 तक होते हैं। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान होता है दिल्ली सल्तनत का, जिसको कहा जाता है लोदी सुल्तान था वो, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है दिल्ली का जो है ये शासन काल बहुत समय तक जो है फैलता और कम होता रहा, जहाँ पे मालवा तक जो है इनका शासन जो है अच्छा मजबूत पकड़ रहा है, इनकी सीमाओं का जो है पकड़ अच्छा रहा, लेकिन बाद में इधर आप देखते हैं तो 1339 के आसपास आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर बुक्का राय, मेवाड़ तो कभी गुलाम बना ही नहीं, मेवाड़ 566 ईस्वी से लेकर 1500 साल का इतिहास है, वो कभी भी गुलाम नहीं बना, उन्होंने अपने सर नहीं झुकाए, महाराणा प्रताप को आप जानते ही होंगे,
इस प्रकार से जो है जोधपुर है, बीकानेर, राजस्थान, तो पूरा रजवाड़ों का, राजपूताना का जो धरती है वो कभी गुलाम रहा ही नहीं है। समझौते किए, शर्तें की गई, कुछ न कुछ जो है समझौते किए गए, लेकिन कभी भी उनका जो है सहसम्मान या फिर जो है अस्तित्व समाप्त होने वाला जैसे कोई सवाल उनके अस्तित्व पर कभी नहीं उठा, वो कभी गुलाम नहीं रहे। और इसी प्रकार से आपने अहोम साम्राज्य के बारे में सुना होगा, जो कि असम का जो है आपका अहोम साम्राज्य, जिसने जो 17 बार मुगल सेना को जो है पराजित किया था। तो इस प्रकार से जो है आपके दक्षिण में जो है कई सारे साम्राज्य हैं, ये सभी जो है टिके रहें, जीवित रहें, तभी तो भारतीय उपमहाद्वीप में सनातन धर्म जीवित है अभी तक, और इसीलिए जो है हम आज अपनी परंपराओं का पालन कर पा रहे हैं। और इतिहासकार केवल दिल्ली को ही जो है केंद्र मान के दिल्ली को ही प्रमुखता देते हुए इतिहास का लेखन करते हैं, और ये कहते हैं कि जो दिल्ली का शासक है वो भारत का शासक है, अर्थात दिल्ली की बादशाहत प्राप्त करने वाला पूरे भारत पर हुकूमत करता, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करता है। इसलिए तो इन लोग कहते हैं कि शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर, ये बोलते थे अकबर को, जबकि भाई मेवाड़ को जो है जीतते जीतते उसके हाथ पैर सब उखड़ गए, वो अपने पैरों पे आ गया, घुटनों पे आ गया, लेकिन यहाँ तक कि महाराणा प्रताप को यह तक कहा गया कि आप आधा हिंदुस्तान ले लीजिए, मेवाड़ दे दीजिए, फिर भी जो है महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान से नहीं हटे, इसलिए उनको कहा जाता है अदम्य, अविजित, आजीवन स्वतंत्र, मेवाड़ सूरज, इंदवा सूरज, मेवाड़ तन, श्री महाराणा प्रताप जी। इसलिए हम उनको इतने सम्मान करते हैं, उनका नाम हमें पता हो ना हो, जानते हो ना जानते हो, लेकिन चौक चौक पे भारतवर्ष में पूरे जो है महाराणा प्रताप चौक के नाम से आपको कई सारे जो है चौक और जो हम उनकी मूर्तियां प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। तो यही शौर्य है, यही गाथाएं हैं जिनका नाम आप सुने या ना सुने, इतिहास धरती फाड़ के ऐसा जो है इतिहास निकलता है जिसके बारे में लोगों को पता चलता है। तो यही सनातन, यही सनातन धर्म के रक्षक, और यही है हमारे धर्म ध्वज रक्षक, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया, सन्यासियों की तरह इस प्रकार से कठिन जीवन जीते हुए उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की, जो कि आज हमें सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते थे मूवी बनाएंगे, लेकिन अभी तक इन पर मूवी भी तो अच्छे से आ नहीं रही है, इनके बारे में सिखाया जाना चाहिए। NCERT बुक्स से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, और जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है भारतीय लेखकों द्वारा जो कि फर्जी लेखक है, तो इनसे तो हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र नहीं है भारत, दिल्ली पर अगर आप कब्जा हो गया तो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा हो गया ऐसा नहीं है। भले दिल्ली केंद्र होगा, भारत का हृदय स्थल होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी शरीर के अंग जो है बेकार के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत एक दिन के लिए भी, नॉट अ सिंगल डे, भारत एक दिन के लिए भी कभी गुलाम नहीं रहा। अगर भारत गुलाम होता तो आज जो है 120 करोड़ हिंदुओं का अस्तित्व भारतीय भूमि पे, उपमहाद्वीप पे नहीं होता। चार धाम खत्म हो जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग खत्म हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है सनातन का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो आप समझ रहे हैं, इस प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में लोग एक दिन के लिए भी गुलाम नहीं हुए हैं। ये हमेशा याद रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।